तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। दोस्तों, बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि बैंक में आप लोग जहाँ पर CDM अर्थात आप लोग कैश डिपॉजिट मशीन में जब डिपॉजिट करने जाते हैं तो आप लोग का पैसा स्टॉक हो जाता है। तो बहुत लोग घबराते हैं कि पैसा को क्या होगा, पैसा लॉस हो गया या फिर क्या होगा। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को एक एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को देना है और जो रिसीव आप लोग को मिला वो आप लोग को बैंक मैनेजर के उस एप्लीकेशन के साथ देना है। तो वो एप्लीकेशन आप लोग को कैसे लिखना है मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और दोस्तों, अगर किसी का रिसीप्ट मनी डिपॉजिट होने के बाद नहीं निकला और स्टॉक होने के बाद नहीं निकला तो उन लोगों को भी कैसा एप्लीकेशन लिखना है तो मैं आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। पहले आप लोग को यहाँ पर दिख रहे टू, तो ये आप लोग को ये देना पड़ेगा। तो टू के एकदम अपोजिट में आप लोग को यहाँ पर डेट, जब आप लोग बैंक मैनेजर कैश मैनेजर को जब आप लोग ये एप्लीकेशन देंगे तो यहाँ पर आप लोग का डेट मेंशन करना पड़ेगा। दी बैंक दी ब्रांच मैनेजर, सो आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि टू दी ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर बैंक नेम आप लोग का कौन सा बैंक का नाम है यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ब्रांच नेम, ये सब आप लोग को पासबुक में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है सो आप लोग अगर ये भी लिखेंगे ना तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, रिफंड एप्लीकेशन फॉर मनी स्टक इन दी कैश डिपॉजिट मशीन, क्योंकि आप लोग को टेक्निकली क्या प्रॉब्लम हुआ ये आप लोग को शायद पता नहीं और किसी को भी मालूम नहीं होता, तो इसलिए आप लोग सब्जेक्ट यही लिखिए। रिस्पेक्टेड सर और मैम, अगर आप लोग का बैंक ब्रांच मैनेजर कोई लेडीज है तो आप लोग मैम दे दीजिए और अगर जेंट्स है तो सर दे दीजिए। सो इसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ डैश ब्रांच डैश, यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि कौन सा ब्रांच का आप लोग का अकाउंट है। माय अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप लोग का अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पर डेट ऑन डेट आप लोग को कौन से डेट में जो आप लोग का मनी स्टॉक का प्रॉब्लम हुआ था तो यहाँ पर आप लोग को डेट मेंशन करना है। अराउंड, यहाँ पर आप लोग को टाइम मेंशन करना है कौन सा टाइम में आप लोग का मनी स्टॉक हुआ था। ये सब अगर आप लोग का कोई रिसिप्ट निकला है तो उस रिसिप्ट में तो आप लोग का मेंशन हो गए, तो ये आप लोग यहाँ पर देख के यहाँ पर लिख दीजिए आई ट्राई टू डिपॉजिट ए कैश ऑफ रुपीस, कितना रुपीस आप लोग डिपॉजिट करने गए थे तो यहाँ पर आप लोग को ये मेंशन करना पड़ेगा। इन दी कैश डिपॉजिट मशीन लोकेटेड एट डैश एरिया, आप लोग का कौन सा एरिया में बैंक का मशीन है तो यहाँ आप लोग को एरिया को मेंशन करना पड़ेगा। बट ड्यू टू सम अननोन टेक्निकल रीजन माई मनी गॉट स्टक इन दी CDM एंड आई वॉज नॉट एबल टू डिपॉजिट दी मनी, अगर आप लोग का मनी जो स्टक हुआ था तो आप लोग को जो टेक्निकल रीजन है ये तो हम लोग को मालूम नहीं होता, तो इसलिए आप लोग को यही लिखना पड़ेगा। एडिशनल डिटेल्स, अगर आप लोग का पास रिसिप्ट है जो डिपॉजिट और स्टक होने के बाद सो आप लोग ये दे दीजिए एडिशनल डिटेल्स रिसिप्ट, यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने रिसिप्ट आप लोग को समझने के लिए दिया, आप लोग लिखने का जरूरत नहीं। रिसिप्ट डिटेल्स हैज बीन अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो देना पड़ेगा जिन लोगों को रिसिप्ट मिला है। अगर आप लोग को रिसिप्ट नहीं मिला तो आप लोग को सिर्फ यही देना है कि मैं आप लोग को कुछ और कलर देके समझा देता हूँ। अगर आप लोग का रिसिप्ट नहीं मिला तो आप लोग को ये देना पड़ेगा सिर्फ आई हैव नॉट रिसिप्ड एनी रिसिप्ट ऑल्सो। तो इसके बाद यहाँ पर दी कैश डिनोमिनेशन डिटेल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर जो कैश डिनोमिनेशन डिटेल्स है, अगर आप लोग का सिर्फ एक ही कैश दिया था, आप लोग 500 डिपॉजिट किए थे और वो स्टॉक हो गया तो आप लोग को कुछ मेंशन करने का ज़रूरत नहीं ये सब। पर अगर आप लोग का कुछ ज़्यादा ही अमाउंट का नोट्स था और आपका समझ लीजिए कि आप लोग 10,000 डिपॉजिट करने गए थे और 8,000 डिपॉजिट हो गया पर 2,000 आप लोग का स्टॉक हो गया तो आप लोग को ऐसे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर ये मेंशन करने के बाद आप लोग को लिखना है काइंडली डू दी नीडफुल योर्स फेथफुली, यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर देना है और इसके बाद आप लोग को नीचे लिखना है कि नेम, यहाँ पर आपका नाम देना है एज पर दी पासबुक और बैंक में जो आपका नाम है वो एड्रेस आप लोग का जो पासबुक में है वो ही एड्रेस देना है। अकाउंट नंबर आप लोग का पासबुक में मिल जाएगा और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर से आप लोग का रजिस्टर है ये बैंक का ID ये बैंक का अकाउंट आप लोग को वो ही मोबाइल नंबर देना है। तो इसके बाद ये देने के बाद आप लोग जो आप लोग का रिसिप्ट है आप लोग का जो रिसिप्ट है उसका एक जेरोक्स कीजिए, स्कैन करके एक जेरोक्स कीजिए और इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके कैश मैनेजर जो आप लोग का ब्रांच का कैश मैनेजर है उनको ये बात बता कर आप लोग ये एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। सो सबमिट करने के 2 से 3 दिन बाद ही आप लोग का अकाउंट में अपने आप ही पैसा ऐड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा।
पर अगर आप लोग का डिपॉजिट या फिर जब आप लोग का मनी डिपॉजिट करने गए थे और स्टक हो गया और आप लोग को रिसीव नहीं मिला तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग समझ लीजिए कि आप लोग को ये मेंशन कर देना कि आप लोग को रिसीव नहीं मिला और बैंक मैनेजर को या फिर कैश मैनेजर को जाके ये बताना है। सो वो आप लोग को कुछ सोल्यूशन देगा, ये एप्लीकेशन वो लोग रख देगा और आप लोग को वो लोग CCTV फुटेज देखता है कि कौन सा टाइम में आप लोग को टाइम मेंशन करना है, कौन सा टाइम में आप गए थे, कौन से तारीख को गए थे। सो वो लोग CCTV फुटेज में देखने के बाद और ATM को देखने के बाद उन लोग को समझ में आ जाएगा कि ये आपके पैसा है, तो ये आप लोग का पैसा डायरेक्ट आप लोग के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। थैंक यू।